इंशाल्लाह आज ये हमारा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बारे में, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बेसिक है वो पार्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल के लिए सेपरेट एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसको हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, एक टॉपिक आपको 11th में दिया गया है जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। यहाँ पर हमको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में देखना है, इसलिए हमने यहाँ पीरियोडिक टेबल को देखा है। आप देखेंगे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम्स होते हैं, जिनको ग्रुप्स कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और इसमें 7 पीरियड्स होते हैं। मतलब इधर हम टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं। और ये जो है ये 6 और 7 का पार्ट है, ये भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 14 ग्रुप में और सेकेंड पीरियड में है कार्बन, और हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में और फर्स्ट पीरियड में है हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दो हमको यहाँ पर देखना है। ओके, तो फर्स्ट लेट्स सी अबाउट कार्बन। तो अभी हमने देखा कार्बन जो है सेकेंड पीरियड में होता है, और उसका ग्रुप नंबर कौन सा है? 14, या रोमन में उसको बोलते हैं 4th A। ओके, तो यहां पर ये आपको याद रखना है, कार्बन का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल सी। कैपिटल सी से कार्बन को शो करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर। मतलब जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। तो दिस इंडिकेट्स द प्रोटॉन नंबर, कि इसमें जितने प्रोटॉन रहेंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन नंबर शोज एटॉमिक नंबर। इसका जो एटॉमिक वेट है यानी एटॉमिक मास है वो 12 है, क्योंकि एक प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेट AMU में 1 होता है, और एक्चुअल होता है 1.0078, लेकिन इसको 1 कंसीडर करते हैं। तो 6 प्रोटॉन का कितना हो गया? 6, और अंदर होते हैं 6 न्यूट्रॉन। इसके न्यूक्लियस में कितने होते हैं? 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। उर्दू में मरकजा बोलते हैं इसको। तो ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन का जो वेट है, 1 न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेट 1.0086, लेकिन उसको भी 1 कंसिडर करते हैं। तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, तो 6 6 कितना हो गया? 12। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास इसलिए कंसिडर होता है 12, और एक्चुअल 12.011, लेकिन उसको बोलते हैं 12। ओके, और यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने डायमंड का देखा होगा, डायमंड का 10th क्लास में। तो इसका यहाँ पर डायमंड की तरह क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है टेट्राहेड्रल, ये भी आगे डिटेल आएंगे। ओके, इसका जो सिंबल है वो देख लिया हमने, सी होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो प्रोटॉन नंबर जितने रहेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने रहेंगे? 6, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन भी 6 है, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, और न्यूट्रॉन भी
कैपिटल एन या स्मॉल एन दोनों चलेगा, ठीक है? ओके, या कैपिटल एन से बता सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिक्स है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को आप स्कूल में कैसे पढ़ते थे, के में दो इलेक्ट्रॉन, के शेल के अंदर, ये के शेल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, रफ बना रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है? फिर उसके बाद एल शेल आती थी, सेकेंड शेल, उसमें होते थे इलेक्ट्रॉन कितने, 1, 2, 3, 4, ऐसे रफ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6। लेकिन अब इसको कैसे लिखा जाता है, इस वे में कैसे हो जाता है, अब ये इस वे में अगर इसको लिखा गया तो ये, इसके पहले 1s नहीं बताया है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 1s 2, मतलब एक 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो हमने बनाया ये क्या है, यहाँ पर शेल है, ये शेल मदार जिसको बोलते हैं, शेल, शेल के अंदर ऑर्बिटल होती है। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिटल है 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी कैपेसिटी 2 होती है, इसलिए आगे 1s फिल होने के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन चले गए। फिर 2p की कैपेसिटी 6 है, लेकिन अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 चाहिए, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं डाल सकते, इसलिए 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 कंप्लीट हो गए, ठीक है? अगर 7 रहते तो 2p3 लिखना पड़ता था टोटल, ओके? तो ये इस तरह क्यों लिखा हमने इसको, ये सब एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ओल्ड जो आप स्कूल में लिखते थे 2,4, अब इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब ये एल के अंदर होता है 1s, और सॉरी ये के अंदर होता है 1s, और 2s 2p कहाँ होते हैं, एल के अंदर, अब समझा होगा आपको, ठीक है? तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे मैं आपको एक बार और बताऊंगा, ठीक है? ये बेसिक था अभी यहाँ पर, ये सॉलिड होता है, इसका नेचर वीकली एसिडिक होता है कार्बन का, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कह पे डिपेंड, हमने लास्ट वीडियो में देखा कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए हम ये दोनों को देख रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब क्या है, इसके पास प्रोटॉन 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, 1, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। तो 1 प्रोटॉन का वेट क्या होता है, 1.00, हमने देखा अप्रोक्सीमेट, तो ये 1.00 या 1 इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है? ओके, गैसियस होता है नेचर में, सिंबल हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आएगा, 1s1, नेम हाइड्रोजन, ओके। हेक्सागोनल होता है ये भी स्ट्रक्चर में, ओके, हेक्सागोन फॉर्म करता है, ये हम देखेंगे कैसे बाद में डिटेल में आएगा, ओके। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई, जैसे मैंने बताया इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते थे 2,4, राइट? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ब्लू कलर से दिख रहे आपको, और सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके? तो इसलिए इसके पास लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, और जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो उतने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, ये तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, ये चौथे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, हाइड्रोजन से आया है।
फिर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया है। मतलब कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के सेपरेट सेपरेट ऐसे चार इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयरिंग किया है। तो दिस इंडिकेट्स अ बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो जाते हैं तो यहाँ बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इक्वल शेयरिंग से बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल लाइन से यहाँ पर शो किया जाएगा, तो ये वन बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड और ये फोर्थ बॉन्ड। इस तरह ये कार्बन चार बॉन्ड बनाता है और इसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं कंडेंस फॉर्म में CH4, लेकिन चारों हाइड्रोजन सेपरेट सेपरेट कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये बन गया मीथेन। और इसी को, मीथेन को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो कार्बन को इस तरह से शो किया जाता है कि इसकी थ्री डी ज्योमेट्री होती है। थ्री डी ज्योमेट्री मतलब ये दो जो लाइन है ये अपने को बता रहे हैं कि ये स्क्रीन पे डायरेक्ट प्लेन पर है ये बॉन्ड, और ये डॉट लाइन क्या बताता है कि कार्बन के बैक साइड में हाइड्रोजन है पीछे की तरफ, और ये डार्क लाइन क्या बताती है, इधर सामने की तरफ स्क्रीन के ऊपर उठा हुआ है ये हाइड्रोजन। मतलब थ्री डी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता है। तो ये बॉन्ड एंगल वगैरह अभी अपने को देखने की जरूरत नहीं है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल बोला जाता है। ये बॉल है जो हाइड्रोजन को शो कर रहा है और कार्बन को शो कर रहा है, और ये स्टिक्स है जो बॉन्ड को शो कर रहे हैं, तो इनको बॉल एंड स्टिक मॉडल बोला जाता है। ठीक है, ये सेम 3D स्ट्रक्चर बताया कि ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करता है कार्बन, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। ओके तो ये भी अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक्चुअली जो बॉन्ड्स हम बताते हैं कार्बन के साथ, वन हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन, ये पीछे की तरफ और ये डार्क लाइन बताती है हाइड्रोजन सामने की तरफ। तो ये जो बॉन्ड्स हम बता रहे हैं एक्चुअली ये ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल मतलब इनके अलग अलग शेप होते हैं, जैसे स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल, डम्बल शेप ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं। मतलब यहाँ का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इसमें, और यहाँ का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो इसमें अलग अलग होते हैं, ये आगे हम देखेंगे। तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, मतलब कार्बन की ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ऑर्बिटल मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और यहाँ आकर वो शेयरिंग करते हैं। ठीक है, शेयरिंग कैसे करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये इसको यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमने मीथेन बनाया है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इन सब में सिंगल बॉन्ड है आप देखेंगे, तो इनको अल्केन्स कहा जाता है। तो जहाँ एक कार्बन था तो हमने उसको क्या नाम दिया था, मीथेन, अभी हम लर्न करेंगे आगे। वैसे जो दो कार्बन वाला होता है जिसमें कार्बन डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको ड्रॉ नहीं करते यही बताते हैं, यहाँ कार्बन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और इन सबको एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये बन गया C2, दो कार्बन है, एक कार्बन को तीन हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन को तीन हाइड्रोजन, और दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए चार चार कंप्लीट हो गए। तो C2H6, इसका नाम है इथेन, दो कार्बन वाले के लिए इथ यूज होता है, और एनी का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर देखिए, यहां पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए एनी नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है, एनी से वो क्या बन जाता है, ENE, इन। दो कार्बन है इसलिए इथ एज इट इज, तो इथीन बोलते हैं इसको। लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4। तो यहाँ हाइड्रोजन सिक्स है लेकिन यहाँ पर फोर है। अच्छा, फोर क्यों है, क्योंकि
क्योंकि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आने से कार्बन की दो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और अभी हमने देखा कार्बन की वैलेंसी कितनी है, चार। तो कार्बन ऑलरेडी दो बॉन्ड बना चुका है, इसलिए अब यहाँ पर कैपेसिटी दो ही हाइड्रोजन को आने के लिए है, इधर भी दो ही हाइड्रोजन को आने के लिए अब कैपेसिटी है, तो चार कंप्लीट हो गए दोनों के। इसलिए डबल बॉन्ड आने पर दो हाइड्रोजन कम हो गए और वो C2H6 से क्या बन गया, C2H4। वैसे ही आता है ट्रिपल बॉन्ड। अब जब ट्रिपल बॉन्ड आ गए कार्बन के, तो कार्बन तीन बॉन्ड बना चुका है, मतलब एक वैलेंसी बची है, मतलब एक ही हाइड्रोजन आएगा, और इधर भी एक ही हाइड्रोजन आएगा, तो बनेगा C2H2, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो गया अब। और इसके लिए रूट वर्ड वही रहेगा इथ, क्योंकि दो कार्बन है, और यहाँ पर जो चेंज हो जाएगा इनका सफिक्स YNE, जो लास्ट पार्ट है इसको सफिक्स बोलते हैं। तो अल्केन ANE, अल्कीन ENE और अल्काइन YNE, तो इनको जनरल नेम ऐसे दिया है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, इसको हम बाद में देखते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है? ओके, अभी बेसिक बेसिक में हम जा रहे हैं। तो सभी केस में, चाहे अल्कीन हो या अल्काइन हो, ये जनरल नेम है, और एक्चुअल नेम दो कार्बन रहा तो इथेन, इथीन, इथाइन। सब में कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है, आप देख लीजिए, चार से ज्यादा वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये देखिए यहाँ पर उसको स्पेसिफाई किया है, देखिए कार्बन ने बनाया, ये कार्बन को टारगेट कीजिए आप, 1, 2, 3, 4। अब इस कार्बन को देखिए आप, 1, 2, 3, 4। अब इस कार्बन को देखिए, 1, 2, 3, 4। ओके, तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। ये सेपरेट सेपरेट फैमिली है, तो इसको हम स्टडी करते हैं वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।